hey guys what's up welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you now i ajay kumar your english teacher is going to start a new chapter chapter number eight a short monsoon diary from honeydew book of ncrt class eight now dear student as you can see the story name is a short monsoon diary so it's a message it's a i mean a chapter which is uh, taken from

ये सारी चीज़ें हम करते हैं डायरी राइटिंग में और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं अ शॉर्ट मानसून डायरी स्ट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड वेरी आ, फेमस यू नो लाइक राइटर इन इंडियन लिटरेचर काफ़ी फेमस आ, राइटर हैं और हम लोगों ने एक आ, और भी यू नो डायरी फेमस डायरी पढ़ा है जो डायरी ऑफ एन फ्रैंक वो भी काफ़ी फेमस चैप्टर था फेमस डायरी था सो so, हम इस uh, चैप्टर में कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो रस्किन बॉन्ड के डायरी से लिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने चीज़ों को पोर्ट्रे किया है द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर नेचर का जो साइलेंट मिरेकल है वो कैसे uh, मतलब uh, लोगों की लाइफ में थोड़ा खुशी और गम दोनों लेके आता है सो लेट्स बिगिन इट सो यू कैन सी पार्ट वन इट स्टार्ट्स ऑन जून ट्वेंटी so it says he says the first day of monsoon mist and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill perhaps that is what makes the mist so melancholy not only does it conceal the hills it blankets them in silence too only one and uh, sorry one uh, only an hour ago the trees were ringing with word song and now the forest is deathly still as though it were midnight through the mist biju is calling to his sister i can hear him running about on the hillside but i cannot see him so pehla jo unhone diary अपना एक्सपीरियंस लिखा था ट्वेंटी फोर्थ जून को उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सो लेट मी टेल यू द स्पेलिंग वर्ड मीनिंग फर्स्ट मिस्ट का मतलब होता क्या है मिस्ट इज नाउन मिस्ट क्या है नाउन है यहाँ पे इट मीन्स अ क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एटमोसफेयर एट अट और नियर द अर्थ सर्फेस दैट लिमिट्स विजिबिलिटी आप उसको धुंध भी बोल सकते हैं राइट right? आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के टाइम पे या बारिश के मौसम पे ऐसा हमें काफ़ी देखने को मिलता है मानसून के टाइम पे एंड वन मोर क्वेश्चन गाइस फ्रॉम विच मंथ इन इंडिया द मानसून बिगिंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स किस महीने से मानसून जो है इंडिया में प्रवेश कर जाता है उसके बारे में आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आई विल वी वेटिंग फॉर योर आंसर नाउ नेक्स्ट है आपका मिस्ट एक और मिस्ट यहाँ पे यूज किया गया है यू कैन सी हियर जस्ट होल्ड ऑन वट मेक्स एन आर द मिस्ट कम्स यहाँ पे भी मिस्ट नाउन है मिस्ट एक और है तो हियर मिस्ट वर्ब है कवर टू वन होल्ड ऑन Perhaps the mist so melancholy. तो so, एक मिस्ड जो है आपका यहाँ पे वर्ब है दैट इज कवर और बिकम कवर्स विथ कवर्ड विथ मिस्ड ठीक है मलैंक्ली है नेक्स्ट मलैंक्ली का मतलब होता है सैड एज यू कैन सी हियर आप इधर भी देख सकते हैं ब्लैंकेट मतलब कवर करना घेर लेना कंसील का मतलब होता है छिपा देना आप uh, मतलब देख नहीं पाओगे कंसील का मतलब छिपा देना

कैसे सारे जो बर्ड्स वहाँ पे थे बर्ड्स वो सारे साइलेंट हो गए सारे के सारे बर्ड्स साइलेंट हो गए मतलब पूरा सन्नाटा छा गया ही ट्राइज टू एक्सप्लेन वाई द मिस्ट इज कॉल्ड मेलेक्ली तो इस लाइन में यू कैन सी कि रस्किन बॉन्ड जो है क्यों बोल रहे हैं कि उदासी छा गई क्योंकि मिस्ट के कारण जो है सारे बर्ड्स जो हैं शांत हो गए तो यहाँ पे बेलांकली बोला गया है बाई गिविंग टू रीजन्स दो रीजन उन्होंने दिया इसके बारे में फर्स्ट इट कवर्स अप द माउंटेन्स एंड हाइट्स द सरेन व्यूज जब वो ऊपर uh, उठता है तो माउंटेन्स को जो है कवर कर लेता है पुर, पूरा पूरी तरीके से घेर लेता है और जो उसका सेरेन व्यूज होता है जो एक uh, आकर्षक व्यू uh, होता है उसको मतलब uh, छिपा देता है सेकेंड जो है इट्स साइलेंसेज द बर्ड्स हियर बाय ब्रिंगिंग सैडनेस और वो जितने भी बर्ड्स होते हैं उसको साइलेंट कर देता है तो ये एक उदासी का प्रतीक है नाउ ही राइट्स हाउ ओनली एन आ बिफोर द मिस्ट अपीड वो इस बात को ही बताते हैं कि कैसे अभी एक घंटे पहले जो है मिस्ट नहीं था तो अच्छा था और एक घंटे पहले ही मिस्ट आया और ट्रीज़ कुड बी हर्ड रिंगिंग जब मिस्ट नहीं था तो पक्षियों पक्षियाँ जो है वो पेड़ों पे बैठ करके Uh, मतलब चर्पिंग कर रही थी और उनका जो लीफ है रसल कर रहा था तो एवरीथिंग वाज लाइक वेरी गुड बहुत ही हैप्पी मोमेंट था बट नाउ इट वाज सो स्टिल एंड साइलेंट दैट ही कॉल्ड द फॉरेस्ट डेथली और अब चूँकि पूरी शांति छाई हुई है तो उसको वो डेथली बोल करके यू uh, नो you know, बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल शांति छा गया था और ऐसा शांति छा गया था जैसे रात के समय मिडनाइट में मध्य रात्रि में होता है द राइटर कुड हियर बीजू कॉलिंग एक बिजु कैरेक्टर है रस्किन बॉल्ट बोलते हैं कि वो उनको बिजु की आवाज़ आ रही थी वो अपनी बहन को बुला रहा था लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मिस्ट जो है मिस्ट में छिपा हुआ था अंधेरे में और ही कुड एंटिसिपेट द बिजू वॉज रनिंग और उनको ऐसा लग रहा था जैसे बिजू दौड़ रहा है यू नो पहाड़ियों के साइड से नाउ नेक्स्ट इट्स जून ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फिफ्थ सो सम जेन्यूइन अर्ली मानसून रे सॉरी सम जेन्यूइनली जेन्यूइन अर्ली मानसून रेन Warm and humid, and not the cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. The mist affords a certain privacy.

रियर्स का मतलब होता है आपका ग्रो और कल्टीवेट, ग्रो और कल्टीवेट जो प्लांट मतलब आ, वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं उसको हम रियर्स बोलते हैं रियरिंग आपने सुना होगा बायो में नेक्स्ट है आपका फर्नस फर्नस का मतलब होता है अ फ्लावरलेस प्लांट जिसमें फ्लावरलेस फ्लावर नहीं होता है विथ फेदरी ग्रीन लीव्स ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन

विच ब्राउट विथ इट्स सेल्फ वार्म एंड ह्यूमिडिटी और साथ में जो है वो uh, कुछ गर्मी और ह्यूमिडिटी जो है उमस भरा ट uh, मौसम ले के साथ में आता है इट्स डिफरेंट फ्राम द शार दिल्स रिसीव ऑल ईयर दैट कूल्स द इन्वायरमेंट और एट सच हाई एल्टीट्यूड और ये उस uh, मतलब uh, मौसम से काफ़ी अलग था जब पहली बारिश होती है तो uh, जो है नो पहाड़ी के ऊपर काफ़ी बारिश होती है और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट वहाँ का काफ़ी ठंडा हो जाता है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड होने के बाद यू नो टेम्परेचर गिरता जाता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं था यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था ये खुद के साथ में जो है वार्म एंड ह्यूमिडिटी ले के आया था द प्लांट्स ऑल्सो न्यू इट वेरी वेल दैट द मानसून हैड अराइव्ड एज द फर्स्ट कोबरा लिली ऑफ द सीजन प्लन्ड इट है इट्स हेड मेकिंग इट्स वे अमोंग द अमॉन्ग द फर्न्स एज द राइटर वॉक टिल द बैंक एंड द पोस्ट पोस्ट ऑफिस इन दिस जो राइटर हैं रस्किन बॉन्ड है बोलते हैं कि uh, जो प्लांट्स वहाँ के हैं उनको भी ये मालूम था कि मानसून का शुरुआत हो चुका है क्योंकि कोबरा लिली जो है उसने अपने सर बाहर निकाले हैं वो अभी बाहर निकाल के खड़ा हो रही है और फंस जो है फ्लावर लेस्ट जो फर्न्स होते हैं उनका भी आगमन हो चुका है वो बाहर निकल चुके हैं और ये सारी चीज़ें उनको तब एहसास होती है महसूस होती है जब वो यू नो बैंक आ, के रास्ते में होते हैं पोस्ट ऑफिस जाने के लिए टिल द बैंक आई थिंक पोस्ट ऑफिस से बैंक जा रहे होते हैं तब उनको ये सारी चीज़ें दिखती है और ये बा, इस बात का एहसास होता है ना अपन बींग आस्ट बाई ए स्कूल बॉय एक लड़का जो है स्कूल बॉय जो है उनसे पूछता है कि इट मीन्स द ड्यूरिंग मानसून सॉरी ऑथर से पूछता है कि डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज होल्ड ऑन जस्ट वन सेकेंड द स्कूल बॉय बींग आस्ट बाई ए स्कूल बॉय द ऑथर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज जब बच्चा उनसे पूछता है हिल स्टेशन और इसके बारे में आपका वैली के बारे में तो उसको एक पैराडाइज के रूप में जो है डिस्क्राइब करते हैं बोलते हैं कि अ पैराडाइज माइट है एक स्वर्ग के जैसा है इट मीन्स दैट ड्यूरिंग मानसून सीजन्स द हिल स्टेशन एंड वैली मस्ट फील हैली विच इज़ वाई इट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज पैराडाइज जब बारिश का मौसम होता है तो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे मिस्ट जो होता है और ये काफ़ी वहाँ का जो वेदर कूल cool होता है बहुत सारे पेड़ पौधे जो होते हैं काफ़ी यू नो लाइक दे लुक लाइक वेरी हैप्पी दे दे आर फुली कलर्ड दे आर ग्रोन अप एंड तो ये सारी चीज़ें जो है पैराडाइज में ही पाई जा सकती है इतनी खुशियाँ तो उसको जो है पैराडाइज से कंपेयर करते हैं ओके डियर स्टूडेंट विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो as it is quite long chapter and uh, i hope uh, you have understood this part of the chapter uh, well and uh, if there is any problem you may ask me in the comment section box so we'll meet in the next part of the video we'll continue the chapter next part of the video till then bye take care and have a nice day thank you everyone